स्वागत है यशोदा की रसोई ब्लॉग में। बने रहे वीडियो में, लास्ट तक पूरी वीडियो देखें दोस्तों। आज कुछ नया लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने तीन आलू ले लिए, तीन आलू ले लिया, एक प्याज ले ली, ये पतली वाली कद्दूकस ले ली। तो इससे कल छील के धोकर और इनमें किसूंगी अच्छे से। तो मैं छील लेती हूँ, इसे इस तरीके से सारे छील के रख लूंगी। दूसरा छील लेंगे ऐसे। तो मैंने छील लिए सारे आलू। छील लिया, अभी इसे किस लेती हूँ जो कद्दूकस की मदद से, ऐसे किस लूंगी इनको अच्छे से। तो प्याज काट ली मैंने और हरी मिर्ची भी काट ली, तो ये रख देती हूँ वाला। और जो कद्दूकस कर लिया पतला, तो आप जो पानी में डाल लूंगी, पानी से दो से तीन पानी में, साफ पानी में अच्छे से धो लूंगी। तो इसको ऐसा धो लूंगी, ऐसे पानी में से अच्छे से निकाल लूंगी दो पानी में। तो मैंने अच्छे से धो लिए आलू, दो से तीन पानी में आलू धो लिए, छान के रख लिए। जो कुछ मसाले हैं, धनिया, हल्दी, नमक थोड़ा थोड़ा ले लें। इसमें जो एक प्याज काटी थी जो है, और दो हरी मिर्ची काट ली पतली पतली है। एक कटोरी मतलब चार चम्मच है, चम्मच से नाश्ता वाली चम्मच से चार चम्मच चावल का आटा, तो ये डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिला लूंगी। जैसे मिलाते हुए इसको, तो मैंने मिला लिया दोस्तों अच्छे से, डो की तरह एक डो लगा के तैयार कर लिया बिल्कुल इसका, अच्छे से मिक्स हो गया। अब करूंगी गैस चालू, तो गैस को करती चालू। इस पर रखूंगी एक पैन, तो जी रख दिया। थोड़ा सा तेल डालूंगी, आधी चम्मच करीब, ज़्यादा नहीं डालूंगी, ततली में थोड़ा चिपके ना। सब दूर कर लिया मैंने तेल को, और जो गर्म होने दूंगी इसको। सब मिश्रण, तो जो मिश्रण बनाया था जो डालूंगी। अब पैन गर्म हो गया, तो इसमें डालती हूँ इस तरीके से। तो पूरा एक ही बार में डाल दिया, मुझे अच्छा सा बड़ा सा बनाना है, इसलिए अगर छोटा छोटा बनाएं तो दो बार में डाल सकते हो आप। मुझे एक ही बार में बनाना था, मैंने एक बार में डाल दिया, बड़ा बनाना है थोड़ा सा। तो इसको अच्छे से बराबर कर देंगे, बहुत बराबर करती हूँ इसे। तो अच्छे से बराबर कर दिया, पूरे पैन में फैला दिया। अब ढाँक देती हूँ एक मिनट के लिए, तो एक मिनट के लिए ढक के पका लूँगी। तो इसको एक तरफ पलट देते हैं दोस्तों, एक तरफ सिक गया जो ऐसा, और इस तरफ पलटेंगे। ये देखिए इस तरफ भी अच्छे से सिक गया, इस साइड और सेंक लेते हैं। ले लेते हैं थाली में, ये देखिए ये थाली में ले लिया इसी तरीके से। अब ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई करिए, बहुत अच्छे से आलू का नाश्ता बन के तैयार है। अब मन चाहे जो पीसेस में काट सकते हैं आप कैसे भी, तो मैं काट के दिखाती हूँ आपको, जैसे भी काट सकते हो आप, छोटे बड़े पीस रख सकते हो। आप देख सकते हो कितना अच्छा नाश्ता सिका हमारा। ये देखिए अच्छे से नाश्ता सिक के तैयार है हमारा, बन गया आलू से। बना लिया दोस्तों, बहुत अच्छा बना। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। आप जरूर ट्राई करिए।